विजन एम्स प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुशील पाल। आज हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद हैं कुंदन वैष्णव। बहुत सारी शिकायतें यहां पर लोगों की हैं उनसे भी, क्योंकि लंबे समय तक वार्ड के अंदर वो नज़र नहीं आए। और इस वक्त हम खड़े हैं छोटी नागफणी में, छोटी नागफणी के इलाके के अंदर हम खड़े हैं। दरगाह के इलाके को भी ये रास्ता जाता है, यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनसे बातचीत कर इस वार्ड में जो समस्याएं हैं महत्वपूर्ण वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे लोगों की शिकायतें रही थी कि लंबे अरसे से यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वो नज़र नहीं आए हैं। आज भी हमने कोशिश की उनसे बातचीत करने की, उन्होंने कहा कि आज कोई स्मार्ट सिटी के अंदर कोई बैठक है, उस बैठक के अंदर वो गए हैं। हालाँकि हमने जब पता किया, क्रॉस चेक जब हमने किया, तो वहाँ पर ऐसी कोई भी बैठक नहीं थी। खैर, कारण कुछ भी रहा हो, कौन बनेगा मेयर शो में सबसे पहले बात हम करेंगे। बाबूजी आपका नाम बताओ क्या है? पिंटू बंजारा। पिंटू जी ये बताओ, वार्ड नंबर 5 में अपन अभी? हाँ जी, वार्ड नंबर 5 में कुंदन वैष्णव वार्ड पार्षद हैं आपके? कुंदन वैष्णव है साहब। कितने समय से इलाके में नजर नहीं आए? कम से कम हो गया 1.5 साल हो गया साहब। क्या बात कर रहे हो, 1.5 साल से नजर नहीं आए? 1.5 साल से हमारे यहाँ नजर नहीं आए, मोहल्ले में ना कोई सुनवाई थी। अच्छा, समस्या क्या क्या आपके वार्ड के अंदर ये बताइए आप। समस्या ये है कि भैया पहले हमारे जो लाइट के बिल है जो हमारे मतलब 1200, 1300, 1500 आते थे, अभी गरीबों के 5000 कच्ची बस्ती में लाइट के बिल आ रहे हैं। नालियों में मच्छर इतने हो रहे हैं भैया कि हर बच्चों को, बूढ़ों को और सबको बुखार हर घर में बच्चों को हो रखा है। जो हमारी समस्या ये है कि ना हमारे पार्षद साहब आ रहे हैं, ना नालियों का ध्यान रख रहे, और लाइट का बिल हमारे गरीब आदमी कहाँ से भरे, क्या पासिया खावे क्या? अच्छा, गंदगी का आलम बना हुआ है ना। बाबूजी हैं, बाबूजी क्या नाम है आपका? हाँ, मैं बदरुद्दीन मुगल बोल रहा हूँ। हाँ। वार्ड नंबर 4 से। हाँ। यहाँ के पार्षद राजेंद्र सिंह जी है, जो आज दिन तक नजर नहीं आए। कभी चुनाव जीतने के बाद में एक दफा भी आके उनसे उन्होंने यहाँ पे संपर्क नहीं किया। अच्छा। ये दूसरे वार्ड के लोग हैं जो इस एरिए की सफाई करते हैं, वो कभी करते कभी नहीं करते, 6-6 महीने तक नालियाँ साफ नहीं होती, यहाँ पे बहुत दयनीय स्थिति है। चलिए, 4 में हम आ चुके हैं, 5 से आप? 5 में, 5 से। अच्छा, मुझे बताइए आपके वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो आज तक पूरी नहीं कर पाया वार्ड पार्षद? नालियों की सबसे ज्यादा है। सफाई कर्मचारी नहीं आते? सफाई कर्मचारी आते हैं, वो तो सफाई करते, बाकी नाली टूटी हुई थोड़ी करेंगे। सड़कों का हाल क्या है यहाँ? सड़कों का भी बेकार हाल है, गली नंबर 4 में देखो आप, खराब हो रही है पूरी। 4 में, वार्ड 5 की अगर हम बात करेंगे, वार्ड 5 में रहते हैं आप, वार्ड 5 की हालत क्या है? कब से पार्षद नजर नहीं आए आपके? हाँ, 1.5 साल करीब हो गया, 1.5-2 साल हो गए। 1.5 साल से नज़र नहीं आए। कोई दफ्तर नहीं है क्या उनका यहाँ पर? नहीं, वो दफ्तर नहीं है, ऑफिस तो कुछ भी नहीं। अच्छा, वो 11 बजे तो उठता है वो। अच्छा, 2 बजे पहले वो मिलता नहीं है, फोन करते फोन उठाता नहीं है। जो परेशानी बताओ इसमें क्या? फोन करते फोन उठाता नहीं है। सड़क भी खराब है यहाँ पे? सड़क भी खराब है एकदम से, सड़क पूरा टूटी फूटी हो रही है, सीढ़ियाँ वीढ़िया जो भी गली वली सब खराब हो रही है, नाली भी खराब हो रही है, मतलब कुछ मतलब वो नहीं है, मतलब कुछ हो रहा काम क्या, सुनने वाला नहीं, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, गरीबों के लिए कुछ सुने क्या? गरीबों को सुनने वाला नहीं। कुछ और लोग भी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 में रहते हैं बाबूजी आप? वार्ड पार्षद आपके काम करता ही नहीं करता? कोई काम नहीं करता है, नाले खराब पड़ी है अभी तक, तो नाला खराब पड़े हैं। कोई सफाई कर्मचारी तो आता है। हाँ। मगर वो बैंचो वैष्णव आता ही नहीं है यहाँ पे, कोई काम ही नहीं करता है। कोई दफ्तर नहीं है क्या उनका यहाँ पर? दफ्तर तो कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कितने समय से नजर नहीं आए वो? अरे उसको अभी टाइम हो गया उनको, 1.5 साल हो गया, कभी आए नहीं इधर, दोबारा देखा। क्या हाल है बाबूजी वार्ड में आपके? देखो ये हाल दिख रहे हैं, देखो क्या हाल चल रहे हैं, मच्छर मक्खी हो गए इनके, देखो क्या हाल चल रहे हैं इनके, देखो कोई साफ ना सफाई ना कुछ भी नहीं। सरकार कह रही है स्मार्ट सिटी बना रहे हम, वो बना रही है तो पता नहीं कब बन जाएगी। सरकार तो रोज स्मार्ट बनवाती है। सरकार रोज स्मार्ट होती है, गवर्नमेंट ही स्मार्ट है, तो सब स्मार्ट ही होगा, और क्या होगा। तो इस बार वार्ड पार्षद जीत, वार्ड 5 में रहते हैं आप? हां भैया, वार्ड 5। अच्छा, तो वार्ड 5 में इस बार वापस से कुंदन वैष्णव को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? कम उम्मीद है आपकी, कोई काम ही नहीं हो रहा गलियों में। देखो ये नाली है, देखो आप ये नाली देख लो, स्मार्ट सिटी देख लो आप, खुद नाली देखो कैसे हो रही है, अंदर गलियों में जाओ पूरी नाली सारी खराब हो रही है, रास्ता पूरा खराब हो रहा है। पार्टी अगर टिकट दे देती है उनको तो हार जाएगी? हारने की उम्मीद ही आपकी यही लग रही है, और क्या है। अच्छा, कितना समय हो गया वो नजर नहीं आए? 1.5 साल हो गया उनके, इधर नजर ही नहीं आ रहे वो कोई। अच्छा, कोई भी उनका प्रतिनिधि, उनका कोई कोई भी कुछ भी नहीं है अब की उसका।
कोई भी उनका कुछ नहीं है, सड़कें भी टूटी पड़ी है अंदर गली में, आप गलियों में जाके देखो। वार्ड नंबर 5 के अंदर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा समस्याएं हैं वो नाली की, सफाइयों की समस्याएं हैं, यहाँ पर सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वो पिछले 1.5 साल से यहाँ के जो लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो नजर नहीं आए। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मेयर कार्यक्रम में। और कौन बनेगा मेयर जो कार्यक्रम है वो वार्ड नंबर 5 में पहुंच चुका है। वार्ड नंबर 5 में इस वक्त कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार कार्यकाल वार्ड पार्षद कुंदन वैष्णव का कैसा रहा। माता जी, नाम क्या आपका? शारदा भाई। मुझे ये बताइए, ये 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा वार्ड पार्षद का कुंदन वैष्णव का, कैसा रहा ये? उनका बहुत अच्छा रहा, लेकिन ध्यान भी देते हैं, ऐसी बात नहीं, सब काम कराते हैं। काम कराते हैं? हाँ। क्या क्या काम करा दिया अभी तक? अभी तक करा क्या, काम तो कराते लेकिन आधा आधा काम छोड़ देते, इधर नाला छोड़ देती, उधर नाला छोड़ दी, मतलब कोई मतलब वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, वैसे पार्सल ठीक है, मतलब कहते आ जाते हैं। व्यवहारिक आदमी है? हाँ, व्यवहारिक आदमी, बस और कोई मतलब नहीं है। कैसा है माता जी कार्यकाल उनका? अच्छा। अच्छा है? हाँ। तो दोबारा जिता दोगे? ओ। जिताएंगे? अच्छा, कोई ऐसा काम रह गया हो जो नहीं करवाया हो, जो आपको लगता है कि वार्ड में होना चाहिए आपके? वो तो बड़े बेटे हैं, इनसे पूछो। है? हम तो दोनों ही नेतागिरी करी है उनके पिताजी, हम तो मेरे को 35 नेतागिरी किया, मैं तो 35 साल हो गया वार्ड मेंबर थी मत यहाँ भाई। अच्छा, मेरे को यहाँ से 35 साल हो गया, जो नागपनी में लाइट नहीं थी, नागपनी में सड़क थी, मैंने वैष्णु जी ने, शिवरतन जी ने, मैंने भागा दौड़ी करके ये ऊपर लाइट लगवाई है और ये सड़क बनवाई है, हेडपम्प लगवाए है, हमने क्या करा नहीं करा जो हमने नागपनी में कराए। अच्छा, फिर भी मुझे एक बात ऐसी बताओ कि इतना बड़ा इलाका है, पहाड़ के पास से बिल्कुल गुजरा सटा हुआ इलाका है पूरा, या कौन सा ऐसा काम है जो रह गया हो जो होना चाहिए? भी बहुत वैष्णु जी ऊपर बहुत अच्छा करा। अच्छा, मैं डिलीवरी केस करती हूँ, ऊपर जाती हूँ मैं, सड़कें नालियाँ ऊपर भी बहुत अच्छी करी है, ऊपर बहुत पाइप लाइन नहीं, बहुत बेस्ट काम करा है। चलिए ठीक है, अपनी अपनी राय है सबकी, कुछ और भी प्रतिक्रियाएं जो लोगों की हैं वार्ड के अंदर हम घूम रहे हैं वो आपको और सुनाते हैं। Sadhguru Designer Wedding Collection, Handpicked Fabrics and Premium Brands, Sadhguru Store, Nagina Bagh, Ajmer. इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं और यहां वार्ड 5 की जनता से हम लोग पूछेंगे कि क्या हाल है वार्ड पार्षद का, क्या 5 साल में उन्होंने इस वार्ड के लिए क्या क्या किया, गलियां, नालियां और यहां के रहवासियों को उन्होंने क्या क्या सुविधाएं दी, इनके बारे में जानेंगे वार्ड वासियों से। तो बताइए भैया, 5 साल में जो आपके यहाँ के वार्ड पार्षद हैं उन्होंने क्या क्या काम किया है? 5 साल में हमारा जो पार्षद है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो हमारे यहाँ के कुंदन वैष्णव है उसने सड़कें भी बनवाई हैं, कई रातों से जाग के खुद अपने हाथों से उन्होंने नालियाँ भी साफ़ करी है, ऊपर टंकी का रोड भी उन्होंने बनवाया है, टंकी तक पाइपलाइन भी उन्होंने पहुँचवाई है, घर घर के अंदर उन्होंने नालियाँ, गली गली के अंदर उन्होंने काम, और भी मतलब से बहुत सारे काम किए और सामाजिक काम भी उन्होंने बहुत सारे किए हैं, जिसमें सामाजिक काम में तो कई चीज़ आती है, जैसे कोई किसी हिंदू समाज में कोई काम पड़ गया तो उनका काम किया है, कोई मुसलमान समाज में कोई काम पड़ गया तो उनका काम भी किया है उन्होंने, बहुत सारे से काम किए उन्होंने 5 साल में, अच्छे काम किए उन्होंने। अगर हम नालियों की बात करें, नालियों की सफाई की बात करें तो क्या हाल है नालियों की सफाई? नालियों के तो आप खुद देख सकते हो, आप कैमरा घुमा के देख सकते हो कि नालियों का काम तो बहुत अच्छे काम करें 5 साल के अंदर, जो कभी किसी पार्षद ने नहीं किया ना, बाकी उस भाई ने काम किया, क्योंकि वो खुद वार्डवासी है, कुंदन वैष्णव खुद यहाँ का वार्डवासी रह चुका है, तो उसने खुद का मोहल्ला, खुद का घर ये देख के उसने सफाई करी है। उन तक पहुँच जो कुंदन वैष्णव में आपके वार्ड पार्षद है, उन तक पहुँच आपकी कैसी है, क्या वो आसानी से आप तक उपलब्ध है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है उन तक? बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा आराम से मिल सकते हो आप उनको, कभी भी याद कर सकते हो आप उनको, कोई भी गली मोहल्ले से कोई भी आम जनता उनको याद करती है, वो तुरंत हाजिर हो जाते हैं हर जगह। हमारे सर पर व्यवस्था देख लो आप, दिख रही है ये क्या है इसमें, को ध्यान देता है, कितनी बार बुलाया हमने, ध्यान देता है, ये पूरा पानी हमारे घर के अंदर जा रहा है, ऊपर लेजरी बूट लग रही है, तो गंदगी रहती है, मतलब गंदगी रहती है, ध्यान देता है, इसके बाद बोलता है नाली के लिए आज 10 साल हो गए इस नाली बने को, कितनी बार बोला तो बोला कि हाँ करा दूंगा करा दूंगा, ध्यान देता है, आता ही नहीं है वो।
यहाँ आते ही नहीं है, यहाँ आता ही नहीं है। तो आपने उनको कितनी बार समस्या का अपने बारे में कितनी लिखित में दिया कभी उनको, कैसी समस्या? नहीं, लिखित में तो नहीं दिया, पर आपने उनको कई बार कह चुके हैं। बोल दिया कई बार, घर जाके बोला। कौन सा वार्ड है आपका? 5 नंबर वार्ड नंबर 5 है। अच्छा, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्कर नारायण साहू है। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. आपकी जो वार्ड पार्षद है, उन्होंने 5 साल में क्या काम किया है आपके वार्ड के? सर अभी तो ऊपर तो रोडें वगैरह बन गई है, लेकिन अभी तो ये नाली की प्रॉब्लम आ रही है और नीचे गड्ढे वगैरह हैं रोड में, उसकी दिक्कत आ रही है हमको। रोड के गड्ढों के बारे में आपने अपने पार्षद को बताया कैसी स्थिति है, क्या उन्होंने उसके लिए कोई समाधान किया? सर फर्स्ट तो वो खुद ही इस रोड से निकलते हैं इतनी बार, तो उनको भी दिखता होगा, गाड़ियाँ तो उनकी भी निकलती है। तो मतलब उन्होंने अभी कोई समाधान नहीं किया आपके? जी नहीं। और नालियों के जो सफाई का स्तर है वो क्या है यहाँ पर, सफाई कितनी बार होती है? सफाई तो 2 बार होती है सर, सुबह और शाम को। सफाई मतलब कैसी रहती है? रोड पे होती सिर्फ, नालियों में तो देख लो आप, नालियों में कचरा जी, नालियों में तो कचरा रहता ही है। इसके लिए शिकायत करी कभी? उनको ही बोला है फिलहाल तो, जो सफाई करने आते हैं उनको कई बार बोल दिया। पार्षद जी को भी बोल रखा है। पार्षद आपका नाम? प्रदीप साहू सर। और ये नालियाँ बन जाए तो हमारे दीवारों में पानी नहीं जाएगा, मकान में सीलन नहीं आएगी। हमारे यहाँ पे सीलन की वजह से तो पहले भी एक मकान गिर चुका ऊपर। कितने टाइम हो गया समस्या को? ये समस्या को तो टाइम ही हो गया, 10 साल से तो नाली बनी नहीं है अभी तक। कौन सा वार्ड है आपका? हमारा 5 नंबर वार्ड है। आपने शिकायत की? शिकायत तो पार्षद साहब को तो की रखी है कितनी मारी, प्रताप जी को भी बोल रखी है, इनको भी बोल रखी है, दोनों को भी बोल रखी है, अभी नए वाले को भी बोल रखी है, पुराने वाले को भी बोल रखी है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। नए वाले अभी तो कुंदन में, हाँ उनको भी बोल रखा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ बन जाएगी नाली, बनाएंगे अब, लेकिन ध्यान नहीं दिया उन्होंने अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा साहू। अभी तक तो नहीं कराई है। और सड़क की सफाई का क्या हाल है? सड़क ठीक है, ठीक है। जब आप उनको बुलाते हैं तो क्या वो आते हैं? आ जाते हैं। आपका नाम? आपका नाम भगवती। छोटी नागपणी लक्ष्मी मोहिला। तो भैया वार्ड पार्षद जो आपके यहाँ के हैं, हाँ, तो उन्होंने क्या काम करा 5 साल में, कैसा काम किया? हमारे 5 साल में तो वार्ड पार्षद ने तो कुछ काम नहीं करा, पिछले कम से कम 1.5 साल से वार्ड पार्षद हमारे वार्ड में ही नहीं आता है, दिखता ही नहीं है। और यहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था बाहर तो थोड़ी ठीक है, बाकी गलियों में इतनी साफ सफाई नहीं है। नालियों वगैरह की क्या व्यवस्था है? नाली अभी करीब करीब तो थोड़ी ठीक है, बाकी ऊपर का मालूम नहीं है। अच्छा, और ये जो उन तक पहुँचना क्या आसान है, क्या वो आप तक आते हैं, क्या आपकी समस्या सुनते हैं क्या? हमारा वार्ड पार्षद तो हमारी परेशानी बिल्कुल ही नहीं समझता, ना कोई मोहल्ले की समझता, कोई जाता है तो भी नहीं आता। और उनको कहते रहते हो? हाँ कहते रहते हैं, पूरे वार्ड के जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी जाते हैं, लेकिन हमारा वार्ड का जो हमारा जो अध्यक्ष है वो आते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा पिंटू। नरेंद्र सिंह। ये बताइए मुझे, आपके 4.5 साल का जो कार्यकाल वार्ड पार्षद हैं कुंदन वैष्णव, कैसा रहा इनका? अच्छा रहा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई काम ऐसा जो रह गया हो? नहीं नहीं, आते हैं, संभालते हैं, सब वार्डों को देखते हैं, इधर एरिया भी देखते हैं पूरा। कई लोग गली देखते हैं कि नालियों की सफाई नहीं होती है, मच्छर बहुत हो रहे हैं वार्ड में। हाँ नालियों की तो होती है, वैसे होती है सफाई, सब ठीक है, वैसे कोई दिक्कत। ठीक है, पार्टी उनको दोबारा टिकट दे दे तो? हाँ हाँ जरूर दे, निकलेंगे और जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पार्टी के जीते। सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंडपिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स, सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। वार्ड नंबर 5 के एक जगह पर वार्डवासी हमको लेकर आए हैं, वो जगह हम आपको दिखाते हैं। ये एक नाला है जहाँ पर आपको सुअर और ये गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी, और इसके बाउंड्री पे, इसकी सीमाओं के ऊपर आपको कुछ मकान भी दिखाई दे रहे होंगे। ये तमाम मकानों की सीमाएं नज़र यहाँ पर आती हैं, और इन मकानों के जो लोग हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना इन सुअरों से और गंदे नाले का भी करना पड़ता है। ये जो रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, इस रास्ते से भी यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी समस्याएं उनके वार्ड के अंदर है। खास बात यह है कि ये जो जानवर हैं, जानवर सड़कों पर आते हैं जिसके कारण हादसे बहुत सारे होते हैं, बच्चे खेल नहीं पाते हैं। ये माता जी, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पपली सोनी। ये क्या समस्या है वार्ड में आपकी? समस्या एक तो गंदगी रहती है यहाँ पे, ये नाले के अंदर, और ये जो सुअर है, ये मतलब सुअर घर तक पहुँच जाते हैं, और आने जाने वालों के मतलब ये एक्सीडेंट वगैरह करते रहते हैं। 2-4 महिलाएं तो गिर भी गई, मतलब उनके हाथों में फ्रैक्चर भी हो गया। तो कभी कभी वार्ड पार्षद ने आके इसको पैक कराने की कोशिश नहीं की? लेकिन मतलब ऐसे ही गुमराह करते रहते हैं। अच्छा,
ऐसा कुछ भी मतलब। अच्छा ये बताइए कितने समय से नजर नहीं आए, सच सच बताना। नहीं वैसे आते तो है ये बात, लेकिन इस नाले के ऊपर उनका विशेष तौर से ध्यान नहीं गया। अच्छा और जगह तो गया है, जैसे नाले बनाई है, रोड भी बनवाया, लेकिन इस पूरी मतलब कॉलोनी की प्रॉब्लम बस यही है। हाँ बस नाला ही है, यही एक सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या ही है। आपको देख लो। हाँ माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता मेहरा। अच्छा ये बताइए इसके अलावा भी कोई समस्या है वार्ड के अंदर जो बहुत बड़ी आपको? ये भी समस्या ही है कि हमारे बच्चे हमारे घरों में घुस जाते हैं, ये सुअर वगैरह मर जाते हैं तो बदबू मारते हैं, तो बीमारी फैलती है बच्चों के। तो हमने कितनी बार शिकायत करी, दिखाया था भैया, लेकिन कोई लेके जाते हैं दूध के, दूध पोस लेते हैं सामान मतलब, और सामान पड़ा है तो उठा के सुअर बाहर निकाल लेते। निगम की टीम यहाँ पर छिड़काव करने आती है क्या? नहीं, वो तो नहीं आती, कभी कभी आती है तो पन्ना आके फ्रैक्चर क्यों हुआ अभी? ये देखो हाँ माता जी, क्या हुआ, फ्रैक्चर कैसे हो गया? गिरा दिया मेरे को, जो हाथ फ्रैक्चर हो गया, बहुत परेशान करते हैं सुबह। कब दिखाई दिए थे आखिरी? पार्षद आता ही नहीं है, चुनावों का टाइम आता है वापस आता ही नहीं है, वार्ड में कुछ भी नहीं आता है, मोहल्ले वाले सारे साहब परेशान हो रहे हैं हम सुअर से। नाला बनवा दो, इसको पे करवा दो, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं करता भैया, कोई भी नहीं करता। अच्छा ये मुझे बताओ, सफाई कर्मचारी बराबर आते हैं क्या आपके वार्ड में? वो तो आते हैं हमारे, वो आते हैं, वो भी आता है डोर टू डोर आते हैं सफाई, हम सब खुद ही करते हैं यहाँ पे, झाड़ू पोछा दिन में। हम तो हम ही सफाई करने वाले, इतनी ज्यादा परेशान करते हैं सुअर, सबसे ज्यादा समस्या है सुअर की है, बस और कुछ नहीं, एक बड़ी समस्या। हाँ यहाँ मर जाते हैं ना तो बदबू मारते हैं, आए दिन ना कोई ना कोई सुअर मरा हुआ पड़ा ही रहता है। मरे नहीं मरे, ये बच्चों को मारते हैं बस, मेन बात है मतलब, ये बूढ़े को छोड़े नहीं, और घर के अंदर जैसे आग चूकी और माल पर आया, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे को सुअरों की है, और तो चलो होता रहेगा, लेकिन ये आप ये करोगे। अच्छा मैं आपके वार्ड में जब जैसे दाखिल हुआ, तो दाखिल होने के बाद मुझे गंदगी बहुत ज्यादा नजर आई आपके वार्ड में। एक मिनट, यहाँ पब्लिक रह रही है ठीक है ना, ये गंदगी देखो घर के आगे दिख रहा है, हद से ज्यादा गंदगी है, जो आया जो फेंक गया, जो आया जो फेंक गया, किसको बोला जाए? हाँ, किसको बोला जाए, कोई किसको बोला जाए? आज सुबह सुबह आके फेंक के चले जाते हैं, तो जिससे बोलो, जिसके साथ झगड़ा, हर इंसान आके फेंकता, हर इंसान, भले गाड़ी आती है, गाड़ी के लिए कोई अंदर तो जाएगी नहीं, गाड़ी गाड़ी आई है सड़क पे, किसी को पता लगता है किसी को नहीं पता लगता है, वो उठा के यहाँ फेंक जाते। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चर्चा को फिर शुरू करेंगे। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex, Anvega Mall, Ajmer. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जो समस्याएं वार्ड के अंदर हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि नगर निगम का जो प्रशासन है वो इस शो को देखे, समझे, कितने काम करने के बावजूद भी स्मार्ट सिटी अजमेर के वार्डों का आखिरकार हाल क्या है, और सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग सफाई की जो व्यवस्था है उससे परेशान है, नाले जिस तरीके से जाम होते हैं, जंगली जानवर जिस तरीके सड़कों पर आ रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा आप मुझे चलते चलते एक बात और बताइए, अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी कुंदन वैष्णव को टिकट देती है तो हम वोट नहीं देंगे उनको, देंगे ही नहीं हमारे वार्ड में, बिल्कुल 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 अब वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे आप? नहीं हम वोट नहीं देंगे, हम तो बिल्कुल नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, पार्टी के अध्यक्ष को ये बात जरूर सुननी चाहिए कि वार्ड नंबर 5 से जो वार्ड पार्षद है कुंदन वैष्णव, उनके चुनावों से पहले जो चुनावी नतीजे कौन बनेगा मेयर शो में हम जो जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको जरूर देखने चाहिए। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स, सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। सबसे ज्यादा ना ये सुअर की आती है, मैं सफाई करते हैं, गेट हम खोल नहीं सकते हैं, जैसे सीधे आ जाते हैं पूरे एक साथ, दस दस आते हैं बच्चे, इतने बच्चे बड़े छोटे सारे एक साथ अंदर घुसते हैं और बहुत नुकसान करते हैं बच्चे को, काट लिया। हाँ और जो आपके यहाँ के वार्ड पार्षद है वो यहाँ आते हैं आपके पास? वार्ड पार्षद के क्यों, वार्ड पार्षद आते तो है कभी कभी, लेकिन उनको बताते हैं, बताते हैं वो भी कुछ ही, वो सबको बता दिया, कोई कुछ करता ही नहीं है हमारे, तो वो नाले अधूरी पड़ी है। जमादार ने जागार के दिया, मधु है नाम तो इनका, तो मेरा नाम कांता है। क्या समस्या है आपको? यही परेशानी है सुबह की, आते हैं घरों में भर जाते हैं सामान लेके निकले तो छाती चढ़ जाते हैं सुअर। हाँ और क्या परेशानी है, यही है। वार्ड 5 में जो यहाँ के पार्षद है उन्होंने 5 साल में क्या काम किया है और कैसा काम किया है आपकी नजर में?
वार्ड पाँच में हमारे यहाँ पर तो काफ़ी काम हुआ है, जैसे मोक्षधाम से लेकर कई सड़कों नालियों का रिपेयरिंग वगैरह काफ़ी सब अच्छा ही हुआ है, इतना ही यहाँ। तो यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है वो कैसी है? सफाई व्यवस्था बढ़िया चल रही है, नाली वगैरह में कचरा वगैरह बस ठीक है, सब सही रहता है? सही रहता है। और जो कभी कोई परेशानी आती है तो बोल देते हैं, वो करवा देते हैं। पार्षद जो है यहाँ के वो कैसे हैं? सपोर्टिव है, लोगों की सहायता करते हैं, समय पे जब उनको आवश्यकता होती है बुलाते हैं तो आ जाते हैं? सपोर्टिव हैं बिल्कुल, आवश्यकता होती है तो बुलाते हैं तो आ जाते हैं, कोई इनके पास जाता है तो उसको प्रॉपर टाइम देते हैं। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. आपके पार्षद हैं वार्ड 5 के, उन्होंने किस तरह का काम किया है अपने 5 साल में? बहुत बढ़िया काम किया है साहब, शमशान स्थल को तो बहुत महल बना दिया उन्होंने। अच्छा, क्या सुविधा उन्होंने दी है महल जैसा बना? पूरी पुताई, रिपेयरिंग, बैठने का सामान, पंखे वंखे, ठंडे पानी की मशीन वगैरह सब अच्छा करा है। तो सफाई व्यवस्था किस तरह की, सड़कों की सफाई व्यवस्था की? बढ़िया है सर, बढ़िया। कितनी बार सफाई होती है दिन में? दिन में 2 बार होती है, सुबह शाम सफाई होती है सर। और अगर आपको किसी समस्या को लेकर उनके पास जाना रहता है तो उनसे तक पहुंचना, उनसे मिलना सरल है या फिर वो? बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ मिलो, कोई अपनी बात है तो रखो उनके पास। अच्छा, और जब उनको समस्या बताए तो समस्या का समाधान होने में कितना समय लगता है, कितने समय में समाधान तो हो जाता है? समय तो लगता है सर, समाधान तो होता ही होता है, चाहे 2 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे, समाधान तो होना ही। नहीं, ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे कई बार समस्या का समाधान होने में साल भी लग जाता है? कई साल तो लगा नहीं है, आज तक तो साल लगा नहीं है। अच्छा, अभी तक तो साल लगा नहीं है। अच्छा, थोड़े दिन में समाधान हो जाता है। और वो आते हैं? आते हैं, घूमते फिरते हैं, जो भी समस्या होती है। मूलचंद जाटव। अच्छा,